गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस जिसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हम कह सकते हैं और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी हम कह सकते हैं। इसे हिंदी में भविष्य या पूर्ण भविष्य काल हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके पहचानने के नियम क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कोई भी वाक्य जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसके बाद हम लोग ट्रांसलेट करने का नियम जानेंगे और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा क्या लगता है और उसके स्ट्रक्चर क्या है। ट्रांसलेट करने के नियम में भी हम सभी तरह के वाक्यों को देखेंगे, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, और इसके बाद हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है परिभाषा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की परिभाषा क्या है। जब भविष्य में कोई कार्य निरंतर जारी रहेगा, भविष्य में हम क्या लिखेंगे, भविष्य में आप नोट कर सकते हैं, भविष्य में कोई कार्य निरंतर जारी रहे तो उसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसका उदाहरण है, जैसे मैं किताब पढ़ता रहूंगा, आप लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, वे लोग दिल्ली जाते रहेंगे, किसान अपने खेतों में हल जोतते रहेंगे, मतलब वो क्रिया जो है निरंतर जारी रहेगा। इसके बाद इसका पहचानने का नियम क्या है, जैसे आपको वाक्य में हम बताएं कि हम लोग पढ़ते रहेंगे, वह खेलता रहेगा, किसान खेत जोतते रहेंगे, प्रधानमंत्री देश का विकास करते रहेंगे, तो ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, क्या रहेगा, ता रहेगा। हिंदी क्रिया के अंत में, किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में जब ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि लगा रहेगा, ये सारे शब्द लगे रहेंगे तो हम पहचान कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वह जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है, ठीक है, समझ गए। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसके ट्रांसलेट करने के नियम क्या है। अगर हिंदी वाक्य में जब हम पहचान कर लेते हैं कि ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है तो उसको हम इंग्लिश में अनुवाद कैसे करेंगे, तो ट्रांसलेट करने का नियम क्या है। ट्रांसलेट करने का नियम में सबसे पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होंगे शैल और विल, और आप जानते हैं शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है और विल का प्रयोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, मीन्स आप सीधा से एक ही चीज जान सकते हैं कि आई और वी के अलावा सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। एक्स्ट्रा इसमें क्या लगता है, एक्स्ट्रा इसमें बी शब्द का प्रयोग होता है, बी, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, वाक्य का इंग्लिश वाक्य जब हम बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सभी तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का अर्थ है सकारात्मक वाक्य, जिसमें हमारा जैसे मैं किताब पढ़ता रहूंगा, वह कहानी लिखती रहेगी, आप लोग गाना सुनते रहेंगे, तो अफर्मेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे और सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया के रूप में या हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें शैल या विल का प्रयोग होगा, इसके बाद लगाएंगे हम बी और बी के बाद भी फोर और भी फोर के बाद ओ। भी फोर का अर्थ है वर्ब का चौथा रूप, कैसे बनता है, वर्ब में जब हम आई एन जी जोड़ देते हैं तो वो भी फोर बनता है। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं यहाँ तुरंत, मैं किताब पढ़ता रहूंगा, मैं किताब
पढ़ता रहूंगा। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई होगा, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, सेल, और सेल के बाद अतिरिक्त में क्या लगाना है, बी लगाना है। यहां अपना स्ट्रक्चर को देख के लगाएंगे, आई सेल बी, क्या वर्ब क्या है, रीड, इसमें क्या लगाना है, बिफोर, वर्ब प्लस आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, आई सेल बी रीडिंग, क्या बुक, ये बुक, आई सेल बी रीडिंग ये बुक, हमारा वाई बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा तरह का जो वाई है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स नकारात्मक वाई, निषेधात्मक वाई। तो नकारात्मक वाई जैसे कि मैं किताब पढ़ता रहूंगा, इसके स्थान पर मैं कह सकता हूं कि मैं किताब नहीं पढ़ता रहूंगा, आप अंग्रेजी नहीं सीखते रहेंगे, क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे। तो अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, यहां तक तो वही है, इसके बाद हम नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद जो है बी का प्रयोग करेंगे। याद रखना है कि सेल और विल और यहां बी, इसके बीच में ही नॉट आएगा, नॉट का प्रयोग जो होगा वो सेल विल के बाद ही होगा, ना कि बी के बाद। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही उदाहरण लेते हैं कि मैं किताब नहीं पढ़ता रहूंगा। यहां उदाहरण लेते हैं कि मैं चेंज कर देते, मैं पत्र नहीं लिखता रहूंगा, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या लगता है, सेल, और क्या लगाएंगे, नॉट, आई सेल नॉट, उसके बाद क्या लगाना है, बी, आई सेल नॉट बी, और यहां वर्ब क्या है, लिखना, लिखना का क्या होता है, राइट, तो राइटिंग हो जाएगा, बिफोर आई सेल नॉट बी राइटिंग, क्या पत्र, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, ये लेटर, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे क्या वह किताब पढ़ता रहेगा, इसका जवाब हम दे सकते हैं कि नहीं, वह किताब नहीं पढ़ता रहेगा, वह अखबार पढ़ता रहेगा, या कहेंगे क्या आप सिगरेट पीते रहेंगे, तो उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप क्यों दिल्ली जाते रहेंगे, किसान अपने खेतों में काम क्यों नहीं करते रहेंगे, तो ये या तो आप कैसे अपना काम करते रहेंगे, तो कैसे क्यों कहां कब, अगर ये सारे शब्द आ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो डब्ल्यू एच वर्ड्स के अंदर आते हैं, और उसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण पहले ही लेते हैं, क्या वह बाजार, क्या वह बाजार जाता रहेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगेगा हमारा बी, और बी के बाद बिफोर, और बिफोर के बाद, जैसे इस वाक्य का उदाहरण होगा, ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, क्या वह बाजार जाता रहेगा, तो वह ही है, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो हम लोग पहले विल लगाएंगे, विल ही, उसके बाद क्या लगाना है, बी, विल ही बी, और भर क्या है, जाना, तो गोइंग, विल ही बी गोइंग, कहां जाएगा, बाजार, टू मार्केट, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी में अगर नकारात्मक वाक्य हो जाए, इसी में नेगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, जैसे क्या वह बाजार जाता रहेगा, इसके स्थान पर हो कि क्या वह बाजार नहीं जाता रहेगा, क्या आप पत्र नहीं लिखते रहेंगे, क्या आप मेहनत नहीं करते रहेंगे, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेलते रहेंगे,
तो ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सेल या बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात नेगेटिव में नॉट लगाना है और नेगेटिव नहीं रहे तो इस नॉट को नहीं लगाना है, इसको माइनस कर देना है। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वैसा जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे आप क्यों मेहनत करते रहेंगे, नेता भाषण क्यों नहीं देते रहेंगे, आप कहां जाते रहेंगे, तीन सवालों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस तरह के वाक्यों का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम दे देंगे क्वेश्चन वर्ब, इसके बाद क्या लेंगे सेल या विल, इसके बाद हम सब्जेक्ट देंगे और सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट रख लेते हैं, अगर नेगेटिव में आए तो यहाँ नॉट लगा देंगे नहीं तो नहीं लगाएंगे, इसके बाद बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक उदाहरण यहाँ ले लेते हैं कि वे लोग कहां जाते रहेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है कहां, तो यहां क्या लिखेंगे वेयर, यहां हो जाएगा विल, सब्जेक्ट क्या है दे, तो क्वेश्चन वर्ड शैल बी प्लस सब्जेक्ट वेयर विल दे, जाना क्या है गो, क्या हो जाएगा गोइंग, वेयर विल दे बी, पहले बी लगाना है, वेयर विल दे बी गोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब हम एक एक करके सभी स्ट्रक्चर को एक साथ देखेंगे और एक साथ सभी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के लिए हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका उदाहरण हम देते हैं कि मैं देश की सेवा करता रहूंगा, तो सब्जेक्ट क्या है आई के साथ क्या लगता है सेल, आई सेल बी, सेवा करने का होता है सर, सेवा करने का सर होता है एस ई आर बी आई एन जी, आई सेल बी सर्विंग माई कंट्री, मैं देश की सेवा करता रहूंगा, आई शैल बी सर्विंग माई कंट्री, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और इसके बाद लग जाएगा नॉट, उसके बाद बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका उदाहरण लेते हैं कि आप मेरे साथ नहीं पढ़ते रहेंगे, तो आप सब्जेक्ट क्या है यू क्या है सब्जेक्ट, यू के साथ क्या लगता है विल और नेगेटिव है इसलिए क्या लगाएंगे नॉट, यू विल नॉट के बाद क्या लगाना है बी फोर, भर्ब है क्या है पढ़ना क्या होगा रीड, यहां स्टडी भी दे सकते हैं स्टडी, यू विल नॉट बी रीडिंग मेरे साथ विथ मी, ठीक है। फिर वाई एंड इंट्रोगेटिव, मतलब ऐसे वाई के किसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का क्या होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस सॉरी पहले इसमें क्या होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस सब में फुल स्टॉप होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में फुल स्टॉप होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितने हैं सभी के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसका उदाहरण मैंने दिया है क्या वह विद्यालय जाती रहेगी, तो सी यहाँ सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी के साथ क्या लगता है विल, पहले हम लगाएंगे विल,
वील सी, वील सी बी, वील सी बी। हम टेस्ट लिखते हैं, एक सेकेंड टेस्ट इसको लिख देते हैं। पहले हम लगाएंगे वील, वील सी, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, बी, वील सी बी। विद्यालय जाती रहेगी, वर्ब क्या है, गो, विल सी बी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चौथा है हमारा एस नो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव, इसमें अगर नेगेटिव हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें सेल या विल का प्रयोग करेंगे पहले, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर यहाँ नॉट देंगे, उसके बाद बी, मतलब सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, यही ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सेल या बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, और नॉट के बाद क्या लगाना है, बी, और बी के बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उदाहरण इसका लेते हैं कि क्या ये लोग आपकी मदद नहीं करते रहेंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे है, लेकिन दे के साथ क्या लगता है, विल, तो विल का ही प्रयोग पहले करना है, विल दे, विल दे, उसके बाद क्या होगा, नॉट, नॉट, उसके बाद क्या होगा, बी, यानी स्ट्रक्चर से देखिए, विल दे नॉट बी, यहाँ वर्ब क्या है, हेल्प, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, विल दे नॉट बी हेल्पिंग यू, ठीक है। अगला है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव हो और क्वेश्चन वर्ड वाला हो, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहला क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सेल या विल का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देंगे प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसका उदाहरण हम लेते हैं, किसान कहाँ काम करते रहेंगे, किसान कहाँ काम करते रहेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो हम इसको देख लेते हैं, किसान कहाँ काम करते रहेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड है वेयर, वेयर विल फार्मर्स, वेयर विल फार्मर्स बी, इसके बाद क्या लगाना है, बी, काम करना था, वर्क, वर्किंग, वेयर विल फार्मर्स बी वर्किंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अंतिम है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड सेल विल प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो हम लोग बी लगाए हैं तो सब्जेक्ट के बाद पहले लग जाएगा नॉट, उसके बाद बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ उदाहरण है कि बच्चे कब नहीं रोते रहेंगे, बच्चे, बच्चे मीन्स चिल्ड्रेन, उसके साथ क्या लगेगा, कब, पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो कब का क्या होगा, व्हेन, व्हेन, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल, व्हेन विल, और बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन, व्हेन विल चिल्ड्रेन, व्हेन विल चिल्ड्रेन नॉट बी व्हीपिंग, ठीक है। इस प्रकार सभी प्रकार के वाक्यों को हम लोग देख सकते हैं, सभी का स्ट्रक्चर हमने बारी बारी से देखा, आपको एक बार भी समझ में नहीं आता है या कोई त्रुटि आपको दिक्कत होता है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने टेंस के, प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स और पास्ट टेंस के चारों टाइप्स का वीडियो पहले बनाकर अपलोड कर दिया है, और सिंपल फ्यूचर टेंस का भी वीडियो अपलोड है, इसके अलावा ग्रामर के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप वन बाय वन क्रम से सीक्वेंस में सभी वीडियो को देखिए और नई नई चीजें सीखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और
उस कमेंट करें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।